हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी एक्चुअली आज हम इधर गोरवा स्टेचू ऑफ यूनिटी गोरा गांव है वहां पे हम कल स्टे किया था मैंने, तो मेरे होस्ट के घर पे था। एक्चुअली मेरा होस्ट कम है, मेरे अंकल का साइट चल रहा है तो वहां पे मैंने स्टे किया था। तो मैं आपको ये साइट का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो मित्रों, आप ये देख सकते हो मेरे अंकल की जो साइट है, वो ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना नई वाली, वो उसके अंदर एकलव्य मॉडल स्कूल है। और ये देखिए, ये वहाँ रहने बच्चे के लिए ये हॉस्टल बन रहा है। मेरे अंकल की जो मैं बोल रहा था ना, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो, DNS इंफ्रा करके है। एक्चुअली वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट का जितना काम रहता है ना, स्कूल कॉलेज या हॉस्टल का, वो सब मेरे अंकल के पास ही आता है। तो वो DNS इंफ्रा करके है। ये देखिए, पहली बिल्डिंग बना रही है वो बच्चे के लिए, दूसरी बन रही है और ये तीसरी भी बन रही है। और जो आपको ये एरिया मैं पूरा दिखाऊंगा ना, वो कितना 4 या 4.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है, उसके अंदर ये पूरी स्कूल कंपाउंड वॉल वो सब बनाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा, ये आई थिंक 1960 या 1961 में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था। तो आगे मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे बच्चे रहते थे ना क्वार्टर में वो सब। तो अभी देखिए आप, इधर मजदूर लोग सब सारे काम कर रहे हैं। अभी आई थिंक 1 साल जितना अभी लगेगा वक्त इसको बनाने के लिए। तो इधर में ये स्कूल के बगल में मेरे, ये देखिए छोटी सी कुटिया दिख रही है ना, उसके अंदर मेरे अंकल है ना, उसकी ऑफिस है। तो नाइट में मैं वहाँ रहा था उसकी ऑफिस में। तो आप ये पूरा देख सकते हो, इधर सब मजदूर लोग काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इधर आपको सब ये दिखने के लिए मिल जाएगा, ये सब काम कर रहे हैं। तो 1 साल में पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो ये सारे मजदूर लोग देखो, ये लास्ट वाला, और ये जो बंदा खड़ा है ना, वो इधर का इंजीनियर है। ये पूरा साइड का वॉल है। ये पीछे आपको देखो, छोटी छोटी जगह में दिख रहा होगा कंपाउंड वॉल पूरा। लास्ट में ये देखो मंदिर है ना, वहाँ तक का कंपाउंड वॉल है। मंदिर आपको दूर से दिखेगा छोटा सा, देखो ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो इधर ये मंदिर है ना, वहाँ तक कंपाउंड वॉल है, इतनी बड़ी जगह है। ये देखिए,
फ्रेंड है मेरे अंकल के इंजीनियर है, उसने भी चैनल स्टार्ट की है। उसका चैनल का नाम है विवेक धंधुकिया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि ये चैनल को भी हो सके इतना आप सब्सक्राइबर कीजिए। और ये इंजीनियर है ना, वो पूरे इंडिया के अंदर जहाँ भी गवर्नमेंट का काम चलता है ना, वहाँ इस वही खड़े रहते हैं। तो अपने को कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, कोई ऐसे इलाके में गए हो तो आपको ये मिल सकते हैं कहीं भी जगह पे। तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसकी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड अभी मैं ये इंजीनियर के साथ बात करता हूँ, तो इंजीनियर आपको सबको बताएंगे। तो इंजीनियर साहब का नाम है विवेक भाई। तो विवेक भाई आप मुझे बता सकते हो कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम तो DNS इंफ्रा है, अभी तो काम चल रहा है और 6 महीना और चलना वाला है काम। अगर आपको भी कुछ सहायता चाहिए काम के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक्चुअली आप ये देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली उसका पहला दिन है ना, वो पहली बार इसके अंदर ब्लॉग में आए हैं ना, तो वो भी नर्वस फील कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे गुजराती लोग ज़्यादातर इसके अंदर आते नहीं, खुद का ही बिजनेस करते हैं, इसीलिए आप भी इसको सपोर्ट कीजिए तो उसकी भी नर्वसनेस कम हो जाए। और वो भी मेरे साथ ब्लॉग के अंदर ज्वाइंट होने वाले ही है। तो मैं आप दोपहर को मैं है ना सब कारीगर खाना खाने के लिए बैठेंगे ना, तो सबका मैं आपको ये ब्लॉग के अंदर लेके दिखाऊंगा सारे कारीगर लोग का। तो ओके, इतना ही आज।